रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजी अंजू। मित्रों, भगवान शिव के सबसे रहस्यमयी स्वरूपों में से एक है महाकाल। शिव के प्रमुख अवतारों में पहला अवतार महाकाल को माना जाता है। इस अवतार की शक्ति माँ महाकाली मानी जाती है। वर्तमान में महाकाल के रूप में भगवान भोलेनाथ तीर्थ नगरी उज्जैन में विराजमान है। वेदों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र का अर्थ है भयानक। रुद्र संहार के देवता और कल्याणकारी है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में दूषण नाम के एक राक्षस ने पूरे उज्जैन नगरी में तबाही और आतंक मचा रखा था। राक्षस दूषण के आतंक से मुक्त कराने के लिए भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। तब उज्जैन नगरी के शिव भक्तों ने भगवान शिव से वहीं बस जाने का आग्रह किया और भोलेनाथ तब से महाकाल के रूप में वहां बस गए। दूषण की राख से किया श्रृंगार शिव ने दूषण को भस्म किया और फिर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग के भस्म से आरती की जाने लगी। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का मतलब कि वह स्थान जहां भोलेनाथ ने खुद को स्थापित किया। शिव जितने भोले हैं उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयकारी है, इसलिए पुराणों में इनका नाम रुद्र भी है। जटाजूटधारी भस्म भभूत शरीर पर लगाए, गले में नाग लपेटे, रुद्राक्ष की मालाएं पहने, जटाओं में चंद्र गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल एवं कटी में बाघंबर और नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश में निवास करते हैं। माता पार्वती उनकी पत्नी अथवा शक्ति है और गणेश और कार्तिकेय के वे पिता हैं। महादेव जिन्हें भोलेनाथ भोले बाबा, कालों के काल महाकाल, त्रिलोकीनाथ नीलकंठ, शिव शंकर शिव शंभो, जटाधारी अर्धनारेश्वर आदि कई नामों से जाना जाता है। भगवान शिव ने धरती पे कई बार अवतार लिया है और पूरी दुनिया में इनके भक्त फैले हुए हैं और हर तरफ से इस ब्रह्मांड में महादेव की गूंज सुनाई देती है। जब इस धरती पे कुछ भी नहीं था उससे पहले ही महादेव का अस्तित्व विराजमान था और आदि से अंत तक महादेव का ही वास रहेगा, क्योंकि शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। सब कुछ शिव में ही जाकर मिल जाता है। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है और जब भोलेनाथ की ये तीसरी आँख खुलती है तो महाप्रलय आता है और तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है और इस महाप्रलय के विनाश से सिर्फ सर्वनाश होता है, सर्वनाश। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा गया है और सभी देवी देवता महादेव का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो रेडियो धर्म गंगा में आज इतना ही। फिर से कोई प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।